गुड इवनिंग एवरीवन, टुडे वी विल रीड द फर्स्ट पोयम द रोड नॉट टेकन फ्रॉम बी हाइव का पहला पोयम द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ये पहला पोयम है ना आपके बी हाइव से, द रोड नॉट टेकन। ठीक है, इस पोयम में पोएट ने चॉइस के बारे में बताया, किसके बारे में बताया, दैट इन लाइफ वी हैव टू चूज अ चॉइस बिटवीन टू। हमारे लाइफ में ऐसे वक्त आते हैं जब हमें दो चॉइस, तीन चॉइस में से किसी एक चॉइस को पकड़ना पड़ता है, और वो हमें क्या करता है, हमारा फ्यूचर को डिसाइड करता है। वी शुड बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइस, है ना, जब चॉइस हम लेते हैं तो हमें वाइज रहना होता है, क्या होता है, बुद्धिमानी पूर्वक एक सही रास्ता चुनना होता है। The road not taken belongs to that very road which the poet left in the past, which the poet had left in the past, है ना। इस poem में हमें दो choice में से किसी एक choice के बारे में poet ने बताया है कि जिंदगी में हमारे ऐसे मुकाम आते हैं जब दो choice में से किसी एक को हमें चुनना रहता है, दो रास्ते में से किसी एक को चुनना रहता है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि अमेरिकन पोएट है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट है, उसने लिखा है इस पोयम को। ठीक है, कह रहा है पहले स्टेंजा में, ध्यान दीजिएगा, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। इसमें देखिए डाइवर्ज लिखा हुआ है, लिखा है ना, डाइवर्ज मतलब होता है सेपरेटेड, डाइवर्ज मतलब सेपरेटेड। ठीक है, येल्लो वुड मतलब फॉरेस्ट, और डेंस फॉरेस्ट विथ डिकम्पोजिंग लीव्स। देखिएगा, पहले हम लोग इसका वर्ड मीनिंग भी देखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि स्टेंजा में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आया है। डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेटेड, है ना, डाइवर्ज मतलब सेपरेट होना। ठीक है, येल्लो वुड, वुड मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट, वुड्स मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट आया, और वुड मतलब लकड़ी होता है, वुड मतलब लकड़ी होता है। येलो वुड का मतलब हो गया फॉरेस्ट, है ना। येलो क्यों बोला गया है, क्योंकि जो पत्ते झड़ के, है ना, क्या हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं, इसलिए येलो वुड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कह रहा है पोएट, है ना, पोएट कह रहा है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, है ना। वंस द पोएट, ध्यान दीजिएगा, वंस द पोएट वाज ट्रैवलिंग नियर अ फॉरेस्ट, देयर कम्स टू रोड, है ना। तो पोएट सोचता है कि इन दोनों में से किसी एक को चॉइस करेगा, क्योंकि दोनों रास्ते पे कोई एक आदमी कैसे चलेगा, है ना। कह रहा है टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, जंगल में दो रास्ते जाते हैं, कितने रास्ते, दो। तो पोएट ट्रैवल कर रहा होता है, है ना, और उसके सामने दो रास्ते होते हैं, दो रास्ते होते हैं, लेकिन पोएट ये कहता है कि मैं अकेले दोनों रास्ते पे नहीं चल सकता हूँ, सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, चूँकि मैं अकेला हूँ,
चूँकि मैं अकेला हूँ तो मैं किसी एक ही रास्ते को ना चॉइस करूँगा, ठीक है। तो वो जो डाइवर्जन रहता है, डाइवर्जन पे खड़ा होकर, डाइवर्जन के पास रुक कर उस दोनों रास्ते को देखता है। कौन देखता है? पोएट देखता है। डाइवर्जन के पास पोएट रुक कर और दोनों रास्ते को देखता है, जहाँ तक उसकी नज़र जाती है ना, जहाँ तक ही उसकी नज़र जाती है वहाँ तक दोनों रास्ते को देखता है। फिर आगे जाकर जो रास्ता जो है ना वो ढक जाता है, किससे? क्योंकि ट्रीज से। किससे ढक जाता है? पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा रहते हैं, जहाँ तक दिखता है उसको देख सकता है वो। उसके बाद वहाँ क्या जाते हैं? पेड़ पौधे रहते हैं, तो उसके बाद उसको आगे नज़र नहीं आता है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। जहाँ तक उसकी नज़र जाती है ना, जहाँ तक वो देख सकता है पॉइंट, वहाँ तक वो देखता है। फिर उसके सामने क्या आ जाता है? पेड़ पौधे आते हैं, उसके आगे वो नहीं देख पाता है। चूँकि पोएट अकेला रहता है, चूँकि पोएट अकेला रहता है तो पोएट को किसी एक ही रास्ते पे चलना होगा ना। उसी तरीके से हम लोग को के ज़िंदगी में भी एक ऐसा वक्त आता है जब हमें क्या करना होता है, चॉइस करना पड़ता है कि किस रास्ते को पकड़े अपने करियर में। करियर को अगर टेंथ के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट लेके आगे पढ़ाई करें जो हमारा करियर को डिसाइड करे, जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा, है ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। फिर वो जो है एक रास्ता को पकड़ता है ना, दोनों में से एक रास्ते को पकड़ता है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, है ना, ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। वो एक रास्ते को पकड़ता है जो क्या रहता है, कम यूज़ किया रहता है, जिस पे क्या रहता है, ग्रास रहते हैं, है ना। वो किस रास्ते को पकड़ता है? जिस रास्ते पे कम मतलब जिस रास्ते पे ग्रास उगा रहता है, उसको लगता है कि ये जो है रास्ता कम इस्तेमाल किया गया है। दो एज फॉर डैट द पासिंग देयर हैड वॉर्म देम रियली अबाउट द सेम। वो पोएट जो है वो दोनों में से एक रास्ते को पकड़ लेता है, ठीक है, जो कम यूज़ किया रहता है, ठीक है, दो रास्ते रहते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। दोनों रास्ता सुबह का समय था, दोनों रास्ता दिखने में सेम ही लग रहा था, दोनों रास्ता दिखने में सेम ही लग रहा था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। वो सोचता है कि कोई एक रास्ते को मैं लेकर चलता हूँ और दूसरा रास्ता जो बच जाएगा, दूसरा रास्ता जो बच जाएगा उसको वो दूसरे दिन देख लेगा। हालांकि फिर यह सोचता है पोएट कि जिस रास्ते पे वो चलेगा उस रास्ते से फिर वापस आने की संभावना कम रहेगी, शायद वो दूसरे रास्ते को नहीं पकड़ पाए, ठीक है। तो हमें जब अपना फ्यूचर डिसाइड करना होता है तो हमें उस चीज़ को चूज़ करना पड़ता है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर सके। क्योंकि पोएट के अनुसार पोएट को बाद में यह महसूस होता है कि दोनों का दोनों रास्ता क्या है, सेम है। पोएट को क्या एहसास होता है कि दोनों का दोनों रास्ता सेम ही है, ठीक है। क्योंकि कोई भी रास्ता अगर हम लेंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, कोई किसी भी स्ट्रीम से लेकर अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे ना। हमें उस प्रॉब्लम को फेस करके क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पोएट का यह कहना है कि वी शुड बी वाइज वाइल मेकिंग डिसीजन, है ना। डिसीजन लेने के दौरान हमें क्या होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए कि हम एक गलत रास्ते को ना चुन ले जो जिससे कि हमारा फ्यूचर क्या हो, ख़राब हो जाए। हालांकि जो रास्ता हम चुनेंगे हर रास्ते में क्या आएगी, परेशानियां आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, डिफ़िकल्टीज आएंगे। हम लोगों को उस प्रॉब्लम को क्या करना है, फेस करना है, है ना, और तब जाकर आगे बढ़ना है। उस प्रॉब्लम को फेस करके क्या करना है, आगे बढ़ना है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस। पोएट कहता है कि फ्यूचर में कभी अगर मुझे कुछ कहने का मौका मिले तो मैं कहूँगा, क्या कहूँगा, कि एक बार का बात है, एक समय का बात है कि मेरे सामने दो रास्ते आए थे, मेरे सामने दो रास्ते आए थे, ठीक है, उनमें से मैंने एक रास्ता चूज़ किया था जो ज़्यादा लोगों के द्वारा नहीं चला गया था, जो ज़्यादा लोगों के द्वारा नहीं यूज़ किया गया था, मैं वो ऐसे रास्ते को चूज़ किया था। अगर फ्यूचर में मुझे कभी यह बात बोलने का मौका मिले
तो मैं यह कहूँगा कि मेरे ज़िंदगी में भी एक ऐसा मुकाम आया था, है ना, जब मेरे सामने दो रास्ते थे, ठीक है, तो मैंने एक रास्ता वो चूज़ किया जो ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ नहीं किया गया था, ठीक है, क्योंकि वही रास्ता हमारा फ्यूचर को डिसाइड करता है। सो वी शुड बी वाइज वाइल मेकिंग च्वाइसेस बिकॉज डैट डिसाइड आवर फ्यूचर। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? नहीं समझ में आया हुआ तो पूछिएगा। इसको पॉज करना। फिगर ऑफ स्पीच, ध्यान देंगे, इसको फिगरेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिगरेटिव लैंग्वेज। और क्या कहते हैं? लिटररी टर्म या लिटररी डिवाइस लिखेंगे। फिगर ऑफ स्पीच, अ वर्ड और फ्रेज, लिखिए, अ वर्ड और फ्रेज डिफरेंट फ्रॉम लिटरल मीनिंग। अ वर्ड और फ्रेज डिफरेंट फ्रॉम लिटरल मीनिंग। देखिए लिटरल मीनिंग क्या होता है जानते हैं? लिटरल मीनिंग मतलब होता है एग्जैक्ट मीनिंग, जो सीधा मीनिंग होता है, ठीक है, उसको लिटरल कहते हैं। घुमा फिरा के बात करना अनलिटरल हो जाता है, ठीक है, उसी को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल में अगर हम लिखें इट रेन्स हैविली, इट रेन्स हैविली, है ना, वर्षा बहुत ज़ोर से होती है, है ना, तो ये आपका लिटरल हो गया। ये क्या हो गया? लिटरल, सीधी बात, है ना। लेकिन अगर हम लिखें इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, तो ये क्या हो गया? अनलिटरल हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, सीधा सीधा जब बात करते हैं उसको लिटरल कहा जाता है, ठीक है, और बात को घुमा के अगर कहें, ठीक है, तो उसको हम अनलिटरल कहते हैं। आया समझ बात? पोएम में फर्स्ट स्टेंजा में राइम सीम जानते हैं आप? राइम सीम देखिए, फर्स्ट स्टेंजा में राइम सीम जो आया है, ठीक है, देखिए स्टूड कुड राइम सीम बनाने आता है आप लोग को, मालूम है? देखिए स्टेंजा में, ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा में जो फर्स्ट लाइन के लास्ट में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है क्या लिखा है? वुड। आ क्या आया है? वुड द, ठीक है, बोथ में ओथ आया है, स्टूड में फिर वुड, वुड वुड आया है ना? आया है, फिर कुड, कुड किससे मिल रहा है? इसी से मिल रहा है ना? आया अंडर ग्रोथ, ओथ किससे मिल रहा है? देखिए
सेंटेंस के स्टेंजा में फर्स्ट लाइन के अंत में उड आया है, बोथ आया है, थर्ड लाइन में स्टूड, फोर्थ में कुड, फिफ्थ में ग्रोथ, अंडर ग्रोथ, ठीक है। इसको हम ए मानेंगे, क्या मानेंगे? ए। ये मिल रहा है इससे? No, नहीं मिल रहा है। इसको क्या मानेंगे? बी। ये किससे मिल रहा है? इससे, तो ए। ये किससे मिल रहा है? ए। और ये बी, तो ए बी ए ए बी। स्टेंजा फर्स्ट में जो राइम सिम इस्तेमाल हुआ है वो ए बी ए ए बी, ठीक है। सेकेंड स्टेंजा में देखेंगे, ठीक है। फेयर क्लेम वियर देयर सेम, है ना, फेयर क्लेम, नेक्स्ट बताना, वियर देयर सेम। अब देखिए ये स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा है, सेकेंड स्टेंजा, फेयर, ठीक है। ये क्या है? एम, है ना, वियर, ये सेम। फिर इसमें क्या आया? इसको अगर चाहे फिर हम ए से शुरू करेंगे, सेकेंड स्टेंजा है, फिर हम ए से शुरू करेंगे, ए बी, फिर ए बी ए ए बी। राइम सीम एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, राइट डाउन, फिगर ऑफ स्पीच लिख लिए ना वहाँ? Yes, लिख लिए हैं, लिखिएगा। एना फोर, स्पेलिंग देखिए, ये राइम स्कीम समझ गए ना? Yes, समझ गए। फिगर ऑफ स्पीच 200 से ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस को कवर करने के लिए हम लोग 20 से 30 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ सकते हैं। आया समझ में? फिगर ऑफ स्पीच का हिंदी अलंकार होता है, अलंकार। हिंदी में पढ़े अलंकार? Yes, पढ़े होंगे, ठीक है। पहला लिखिएगा फिगर ऑफ स्पीच में एना फोर, लिखिए एना फोर। लिखे एना फोर, लिखिएगा रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड, रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ, रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स, एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स। क्या लिखे? कंसेक्यूटिव लाइन्स लिख लिए? Yes, लिख लिए ना। उसके बाद लिखिएगा एलिट्रेशन, ए डबल ए लाई, लिखिए, इसको मिटा दें। एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ, कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड, एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड इन अ लाइन, टू एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड, एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स लिख लीजिएगा, एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन अ लाइन। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स
इन अ लाइन, एलिट्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है। एसोनेंस लिखिएगा, एसोनेंस रिपीटेशन ऑफ, रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड, रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड, रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड इनसाइड द वर्ड इन अ लाइन, रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड इनसाइड वर्ड इन अ लाइन, इनसाइड द वर्ड इन अ लाइन, ठीक है। एलिट्रेशन हो गया, उसके बाद लिखिएगा इनजैमेंट, इनजैमेंट, इनजैमेंट लिखे, इनजैमेंट में लिखिएगा व्हेन अ लाइन, व्हेन अ लाइन गोज टू द नेक्स्ट लाइन, व्हेन अ लाइन गोज टू द नेक्स्ट लाइन, गोज या फिर कंटिन्यूज है ना, व्हेन अ लाइन गोज स्लैश कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट यूजिंग, विदाउट, विदाउट यूजिंग एनी पंचुएशन मार्क, PUNC, PUNC, TUATION, पंचुएशन, ठीक है, बिना किसी पंचुएशन मार्क के, है ना, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेटरी मार्क, है ना, किसी भी, बिना किसी पंचुएशन मार्क के कोई लाइन पोयम का, है ना, स्टेंजा का कोई भी लाइन दूसरे लाइन में चले जाए, दूसरे से तीसरे में चले जाए बिना पंचुएशन मार्क इस्तेमाल किए, तो उसे हम इनजैमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनजैमेंट। आया? लिखिएगा रिपीटेशन, नेक्स्ट, क्या लिखा? रिपीटेशन लिखिएगा, रिपीटेशन में रिपीटेशन ऑफ वर्ड, रिपीटेशन ऑफ वर्ड, रिपीटेशन ऑफ वर्ड और लाइन, है ना, इन अ स्टैंजा, किसी शब्द का, किसी शब्द का या फिर किसी लाइन का पोयम में दोबारा इस्तेमाल होना, एक ही शब्द अगर दोबारा इस्तेमाल हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं? रिपीटेशन कहते हैं। आया समझ में बात? इसको पॉज करना है।